महापड़ाव के तीन दिन का दूसरा दिन है, दूसरा दिन चल रहा है। कई साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी यहाँ दोहराया गया है। हम दो चार बात आपके समक्ष हम भी रखना चाहते हैं INTUC के तरफ से, और ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो देश में सरकार चल रही है वो सरकार मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, आम आवाम के खिलाफ किस तरह से देश में काम कर रही है ये आप देख रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि मजदूरों का जीवन जो इस देश में नरेंद्र मोदी ने आने के बाद बदलाव की बात कही थी, उन्होंने देश में अच्छे दिन लाने का वादा किया था, किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया है, ये 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि मजदूरों का रोजगार क्या बढ़ा है? अरे रोजगार तो बढ़ा नहीं, रोजगार उनके एक एक करके छीने जा रहे हैं, रोजगार कम होता जा रहा है। तो जिस देश में मजदूरों का रोजगार नहीं है, जिस देश में सेना को हम कहते हैं कि सेना में देश में शांति चाहिए, तो शांति तो आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में दंगा फसाद और देश के चारों तरफ जो सेना हमारे युद्ध में लगे हैं, तो ये देश को अशांत करने का माहौल है। किसानों को जो जमीन चाहिए, आते आते इन्होंने किसानों के जमीन पर हमला बोलने का काम किया, जमीन छीनने का जो प्रस्ताव दिया, आगे बढ़े किसानों के दबाव में, किसानों के आंदोलन में देश से विरोध जब हुआ, इनके कदम पीछे खींचे हैं। लेकिन आज इनका हमला जो देश के मजदूरों पर हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि तूफान से जूझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। नरेंद्र मोदी कोई आप जो समझ रहे हैं, बहुत सारे सरकारें आई, बहुत लोग आए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश में एक तानाशाह के रूप में हमारे सामने, ये किसी बात को सुनना नहीं चाहते, बराबर मन की बात करते हैं, अपने ही बात करते हैं, मजदूरों की बात सुनते नहीं। जो देश में कानून है मजदूरों का 144 कानून को ये कहते हैं कानूनों का जंगल है, इसको साफ करेंगे और चार लेबर कोड बनाएंगे। वो लेबर कोड का क्या है? वो ऐसा लेबर कोड बनाएंगे कि इस देश में ट्रेड यूनियन चलाने की बात नहीं होगी। ट्रेड यूनियन का जो निबंधन है, इनके आने के बाद से पूरे देश में यूनियनों का निबंधन रुक गया, पूरे देश में आउटसोर्स का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। ये मोदी सरकार जो कानून परिवर्तन के नाम पर, श्रम सुधार के नाम पर ऐसे कानूनों को ला रही है जो कारखाना से लेकर के खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूरों को जो कुछ सुविधाएं आज भी मिल रही हैं, उन सारे सुविधाओं पर कुठाराघात करने का काम हो रहा है। चूंकि कम है समय, हम केवल इसकी तुलना इससे करना चाहते हैं कि एक महाभारत हुआ था इस देश में जो आज इतिहास है, वो महाभारत जिसको कृष्ण ने दुर्योधन को चेतावनी दिया था उस लड़ाई में कि इंसाफ की लड़ाई है महाभारत, और आज ये मजदूरों का भी महाभारत है इस देश में। ये महाभारत में दुर्योधन के रूप में नरेंद्र मोदी खड़े हैं, और कृष्ण के रूप में हमारे देश के मजदूर आंदोलन के सारे मजदूर आज खड़े हैं, और ये दुर्योधन को चुनौती देने के लिए खड़े हैं कि न्याय देना होगा। हम 2 पंक्ति आपको कहना चाहते हैं, कुछ अलग हट के हम बातों को रखना चाह रहे हैं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, जो हम बात करते हैं मिनिमम वेजेज भी कम से कम दे दो, अरे डिसेंट वर्क की बात कौन कहे, डिसेंट वेज की बात कौन कहे, हम तो मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं, 18,000 न्यूनतम मजदूरी दे दो। इसलिए उस महाभारत में भी कृष्ण ने कहा था दुर्योधन को कि दुर्योधन युद्ध में मत जाओ, लड़ाई में मत जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तो कहा था कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम तो न्यूनतम मजदूरी मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन मानने वाला नहीं था और ये मोदी भी मानने वाला नहीं है, इसलिए संघर्ष का आह्वान करना होगा, आगे बढ़नी होगी, और आगे बढ़ के
जब यही हम कहेंगे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐ मोदी, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मजदूरों का यह स्वरूप विकराल देख, मजदूरों का यह स्वरूप विकराल देख, तो लो हम लोगों का, तो लो हम लोग भी अब जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, हम लोग भी अब जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रन होगा। ऐ मोदी, 2019 में ऐसा रन होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। इस मोदी को ध्वस्त करने के लिए देश के राजनीतिक दल कितनी ताकत लगाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के मजदूरों के पास ये ताकत है, हमको उठने का जरूरत है। कास्ट, क्रीड, धर्म सबसे अलग होकर के आज मजदूर आंदोलन ही इस देश में नरेंद्र मोदी को गिरा सकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को धूल चटा सकता है। जो कहते हैं और कहते हैं FDI के बारे में, पूंजी निवेश के बारे में, अरे बाहर से लोग आएंगे। नमक, आप जानते हैं, खाने का स्वाद अगर सबसे बढ़िया होता है, नमक जरूरी होता है, लेकिन खाने का सबसे सस्ता नमक होता है। उसी तरह से देश के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा ताकत किसकी लगती है, तो मजदूरों की लगती है। और सबसे सस्ता निर्माण का, सबसे ज्यादा विकास में जिसकी ताकत लगती है, वही मजदूर सस्ते दाम पर इस देश में बिक रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मजदूर तो इस देश में लुट गए यारो, मजदूर तो इस देश में लुट गए यारो, अब तो लुटेरे ही देश चलाने बैठे हैं, अब तो लुटेरे ही देश चलाने बैठे हैं।